हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, राम राम सारे गाइजन है। तो आज ऊपर आ गए हैं, अब चूल्हे की रोटी खाएंगे भाई, गर्मा गर्म बाजरे की रोटी तैयार है और रायता है भाई, मस्त एकदम टेस्टी डिलीशियस। अब खाऊंगे चूल्हे की रोटी यहाँ बैठ के, मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा एक नंबर। तो भाई गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और रायता तैयार है, रायता ठंडा है, रोटी गर्मा गर्म है, एक नंबर मस्त, अपना हरियाणा वाला खाना डिलीशियस। हिप्पोपोटामस खाते हुए एक डली रायता, 10-15 रोटी खा जा गई भी हो। खाने दे, 10-15 रोटी तो कितनी नहीं गई भाई इसकी, सीधी बाजरे की। क्या दिन पहले नहाया था? रोज ना हूँ, कल नहाया था। काल कोले बनाया था दोबारा, कुट बनाया था मम्मी, वो पेपर देगा है पछे, सर सर धोया था इसने कल, काल सर सर धोया था, और परसू परले दिन था शीला पानी, 5 दिन तो मन्ने हो गए गणते ने पूरे। अरे इन दिन क्यों फेंके करे, 5 दिन परसू भी ना आया था, कल भी ना आया था, और उससे पहले यो देख लो भाई, यो देख लो, 5 दिन हो गए ना, देख लो भाई, देख लो कितनी सुतरी शक्ल है, देख लो जानते, 5 दिन पूरे 5 दिन हो गए ना, 5 दिन ग्रीस लाग रहा मारो मुंह, पता ना दिखे है, और दिखना लाग रहा। आज है 28 दिसंबर और आज का दिन शुरुआत करते हैं, कुछ हैपनिंग सा करते हैं आज। एक बार मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, पहले तो अभी गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी खाई है बाजरे की। तो आज शाम को भैया चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज क्या चैलेंज? गोलगप्पा चैलेंज, गोलगप्पा चैलेंज, एक मिनट में कौन ज़्यादा खाओगा हो जाए भाई। तो आज गोलगप्पा चैलेंज करते हैं इसके साथ शाम को, एक मिनट में यो कितने घास के और मैं कितने घास को देखेंगे भाई शाम में। ठीक है भाई, इसके मत मेन मकसद तो इसका गोलगप्पे खाने का है, ये तो बहाने हैं इसके, खैर बाकी देखते हैं आज शाम को, चैलेंज करते हैं गोलगप्पा चैलेंज, कौन कितने खाता है एक मिनट में। अभी निकल रहे एक बार यूनिवर्सिटी की तरफ, इस थारे भाई जोगिंदर की ऐसी तैसी करूंगा मैं आज। ठीक है भाई, थारे भाई जीतेगा। तो भाई पहुंच गए हैं अपनी यूनिवर्सिटी, ये अपनी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का परीक्षा सदन है MDU रोहतक, और अभी ऊपर जाके अपना थोड़ा सा काम कराते हैं, डॉक्यूमेंट्स मैं अपने लेके आया हूँ साथ में, और फिर निकलते हैं वापस यहाँ से फ्री होके जल्दी। तो भाई दोस्तों यहाँ पे तो लंच हो गया, यूनिवर्सिटी आया मैं तब तक लेट हो गया थोड़ा सा, और अब एक घंटा वेट करना पड़ेगा, एक घंटे तक टाइम पास करना पड़ेगा यहाँ पे, कहीं किसी कैफ़े वगैरह में बैठेंगे, कुछ खाऊँगा, देखता हूँ वापस घर जाऊँगा तो बड़े गंदे जाम में से निकल के आया हूँ भाई, दोबारा से जाम में, उसी जाम में घर तक जाना और फिर वापस आना, एक घंटा आने जाने में लग जाएगा। अब यहीं पे टाइम पास करूँगा भाई, फिर उसके बाद अपना देखेंगे कितना टाइम लगाएंगे यूनिवर्सिटी वाले, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट चाहिए था मेरे को इनसे, बाकी दिन के ऊपर डिपेंड करता है, ये जितने भले हैं वो तो आपको पता ही होगा, बाकी देखते हैं कब तक फ्री करते हैं आज ये। तो भाई वहाँ से आ गया मैं यूनिवर्सिटी से निकल के, वहाँ पे तो लंच चल रहा था, बहुत लंबा टाइम था, चिकारे के पास आ गया, ये मेरा मित्र इसके ऑफिस में आ गया, ये शर्मा रहा है बेचारा कैमरा शाही पर। चिकारी के पास आ गया मैं, अब थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास करूँगा, उसके बाद वापस जाएंगे अपना काम कराएंगे यूनिवर्सिटी, इसके ऑफिस के बाहर का व्यू देखो एक बार, कितना बढ़िया है, बेहतरीन नज़ारा, उधर परांठे वाला भी है भाई। चिकारे परांठे खाता है भाई तू उसके? ना भाई, मैं ना खाता। चलो ठीक है भाई, थोड़ी सी गुफ्तगू कर ले हम। गुफ्तगू होता हुआ ने। चलो फिर निकलेंगे भाई यूनिवर्सिटी की तरफ दोबारा। तो भाई दोस्तों काम कंप्लीट हो गया अपना यूनिवर्सिटी का, अब निकल रहे हैं यहाँ से वापस घर की तरफ, छोटा सा काम था बट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, अब फ्री हैं, अभी घर की तरफ निकलेंगे अपना आराम से। तो भी सोची तो कुछ हैपनिंग सा करने की थी आज के दिन में, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया ये दिन, एक्टिव टाइप में हो गया थोड़ा सा। यूनिवर्सिटी से आने के बाद फिर मैं अपने उसके आशीष दोस्त के पास दोबारा चला गया था, उससे काम था थोड़ा, और उसके बाद अभी जस्ट मेरा एक और कज़न ब्रदर है
उसको लेने आ गया मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन हूँ अभी। ये दिखाता हूँ मैं आपको रोहतक का रेलवे स्टेशन, कुछ ऐसा हाल है भाई इसका। शहर के काफ़ी अंदर आ चुका है ये, तो इस वजह से इस पर हैपनिंग सा नहीं है ये थोड़ा सा इतना इस वजह से। तो भाई अब उसको लेके जाता हूँ घर पे और फिर करते हैं जाके गोलगप्पा चैलेंज जो विनय ने मेरे को दिया हुआ था ना, वो अब जाके पूरा होएगा रात को, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग गया आज का दिन पूरा इधर से उधर काम वाम में बिजी रहा मैं। जाके करते हैं भाई वहाँ पे गोलगप्पा चैलेंज उसके साथ। ये तो ये लेट होने का अनाउंसमेंट कर लो तुम पहले। एक तो ये ट्रेन लेट होने का इतना गंदा सिस्टम है अपना। उस भाई का मैं पिछले एक घंटे से वेट कर रहा हूँ और अभी तक कोई अता पता नहीं है उसकी ट्रेन का, कितना टाइम और लगेगा उसको यहाँ पे। तब तक टाइम पास करते रहो भाई अपना ठंड में इधर से उधर। एक भाई ये नहीं समझ में आता मुझे, ये इतनी ठंड में कैसे गुजारा कर लेते हैं बेचारे यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, ऐसे ही रात गुजार देंगे ये पूरी की पूरी। पता नहीं भाई इनकी ज़िंदगी कैसे निकल जाती है ऐसे इतनी गंदे वाली ठंड में। कंबल ओढ़ के कंबल में पूरी रात निकाल देते हैं ये। सबकी अपनी अपनी हैक्टिक ज़िंदगी है भाई, कोई कैसे निकाल रहा है कोई कैसे। छोड़ो फिर, आ गया भैया आ गया आ गया, आ गई ट्रेन आ गई इसकी दो घंटे बाट देख के और अभी अभी ट्रेन आई है भाई की, अब घर की तरफ निकलेंगे हम ठीक है भाई दोस्तों निकल रहे हैं अब। तो भाई पहुंच गए हैं यहाँ पे गोलगप्पे वाले के पास, अब इसके शुरू हो गए एक मिनट में कितने गोलगप्पे खाएगा ये। अब टाइमर शुरू कर देते हैं इसका, फोन दे दे भाई अपना, ला तेरे फोन में ही शुरू कर देंगे टाइमर। लगा दे एक मिनट, ये शुरू कर दिया भाई, वो एक मिनट में कितने खाओगा देखेंगे। एक हो गया दो तीन मोटे मोटे देखो अंकला छे चार भाई पांच और डाल मुंह लाग लिया इसका ये बे तो भाई आधी मिनट हुई है। छह सात है, सात हो गए ना आचे मोटे दो अंकल आचे मोटे मोटे दो दो आठ भाई होगी भाई एक मिनट पांच सेकंड एक मिनट सात सेकंड खत्म आठ। तो भाई शुरू करते हैं भाई का चैलेंज दूसरा। भाई इसने खाए हैं सात एक मिनट सात सेकंड में, मैंने खाने हैं आठ एक मिनट सात सेकंड में। ये भाई एक एक सेकंड भाई टाइमर शुरू कर देंगे, एक दो तीन चलो टाइम हो गया शुरू। एक और ये दो मोटे मोटे दे अंकल इस भी ये तीन भाई चौथा आ गया है ये चार मैं सुन ज गया चारा में और निकाले जाते हो भाई चार हो गया भाई वो पांचवा आया ही पांच हो गए जो पांचवा आया है ना छोटा वीडियो में देख लेंगे बाद में भाई टाइम होने वाला भाई जमा कति हो गया भाई टाइम हो गया कोई फायदा नहीं भाई इतना ही होना था भाई टाइम इसका भी इतने ही खाए गए भाई इसमें सेम टू सेम खाए गए भाई